गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन चैप्टर नंबर सेकंड बोध के आगे का भाग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पहले अपन ने क्या किया था, डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर चौकीलाल था और चौकीलाल ने मुंशी बैद्यनाथ से कितने रुपए लिए थे, 10 रुपए लिए थे, वो अपनी फीस के लिए थे। दरोगा जी ने मुंशी बैद्यनाथ की पत्नी से रुपये मांगे, तब उन्हें बख्शे की याद आई। वो अपने पति की बीमारी में इतनी व्यस्त हो गई थी, इतनी चिंतित हो गई थी कि अपना जो सामान था वो भी कहीं भूल गई थी। तो जैसे ही उन्होंने मुंशी बैद्यनाथ ने कहा कि इनकी फीस के 10 रुपये दो, तब उन्हें बख्शे की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया, छाती पीट ली। वो बक्सा गांव चला गया, गाड़ी में, ट्रेन में या रेलगाड़ी में ही पड़ा रह गया और रेल आगे चली गई और वह छाती पीटना मतलब बहुत दुखी हो गई थी। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे, उनके जो मित्र थे मुंशी बैद्यनाथ के, उनके पास भी ज़्यादा रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकाल कर चौकीलाल को दिए, जैसे तैसे मतलब समय पर पैसे नहीं मिलते तो कैसे करते हैं, इधर उधर से लेकर 10 रुपए उस चौकीलाल को दिए। तब उन्होंने दवाई दी। रात को दशा संभली, दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया, क्योंकि जितने भी पैसे थे, जितना भी सामान था, जब उनको जरूरत थी या आवश्यकता थी तब वो उनके पास उपलब्ध नहीं थी। वह तो रेल के साथ आगे चली गई थी, तो उन्होंने मुंशियाइन यानी बैद्यनाथ जी की जो पत्नी है उन्होंने अपना एक गहना बाजार में बेच दिया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी, तब रात को गाड़ी में बैठे। जैसे उनकी हालत में सुधार हुआ फिर उनको गाड़ी में बिठाया गया। उनको कौन सी बीमारी हो गई थी, हैजा हो गई थी। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली, एक साफ जगह बिस्तर बिछाए गए, इतने में बूंदें गिरने लगी। यानी कहीं पर भी सराय में या कहीं पर भी अगर अपन वहाँ पे रहेंगे, रहने की व्यवस्था होगी, अगर पैसा होगा तभी तो लोग अपन को वहाँ पे रुकने की या रहने की, खाने पीने की व्यवस्था देंगे। तो अयोध्या पहुँचते ही कहीं ठहरने की उनको जगह नहीं मिली और एक साफ जगह पे बिस्तर बिछाया, परंतु क्या होने लगी, बारिश होने लगी, बारिश की बूंदें उन पर गिरने लग गई। इतने में बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे, सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि न तो मकान था, न सर पे छत थी, न भोजन था, न रहने और सुख सुविधाएं थी। उस समय क्या था, केवल एक नीला आकाश, आकाश के नीचे सब बैठे थे और सब परेशान थे। अचानक एक मनुष्य का मतलब होता है मनुष्य या एक व्यक्ति, सामने से एक लालटेन लेकर आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी के पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी। पंडित जी कौन थे, मुंशी पंडित जी थे, यानी उस अध्यापक थे। अध्यापक का नाम क्या था, मुंशी, अध्यापक का नाम था यहाँ पे पंडित चंद्रधर। पंडित चंद्रधर ने उस आते हुए व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई साहब, यहाँ के यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी या मिलेगी। तो उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरु जी आपने पहचाना नहीं, मैं कृपा शंकर आपका पुराना शिष्य। कि यानी पंडित जी जिस व्यवसाय को, जिस अध्यापक के पद को लेकर वो इतने चिंतित रहते थे, उनके पास पैसों की तंगी रहती थी, मेहनत करते थे, सब कुछ करते थे, और पास जो दरोगा और मुंशी जी थे उनकी शान शौकत सुख सुविधाओं को लेकर हमेशा क्या रहते थे, परेशान रहते थे। उन्हीं का पढ़ाया हुआ एक विद्यार्थी मिला, उसका नाम क्या था, कृपा शंकर। पंडित जी की स्मृति जागी, पंडित जी की क्या होगी, याददाश्त जगी, उन्हें याद आया। बोले, ओहो तुम कृपा शंकर हो, तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। अपनी याददाश्त में सोचते हुए कहा कि तुम वास्तव कृपा शंकर हो और तुम पहले कैसे थे, दुबले पतले और 8-9 साल के बच्चे थे। कृपा शंकर ने विनम्रता से कहा, जी हाँ मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया। इंटर का मतलब होता है 10वीं कक्षा या 10th क्लास होती है, तो मैंने यहाँ आकर क्या किया, इंटर पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए आप तो अच्छी तरह से हैं, सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। कि आप कैसे हैं गुरु जी, आप एकदम सही हैं,
आप स्वस्थ हैं और आपका मेरी किस्मत है या सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, मेरे घर चलिए, कि ठहरने वगैरह की कोई चिंता न करें और आप मेरे घर पर चलें। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अपन यहाँ पे भाषा कौशल के अंदर जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर ग और घ, ये दोनों प्रश्न हैं, ये मैं आपको क्या कहूँगी, इसका आंसर या इनके उत्तर लिख के या इनको वापस मैं आपके पास भेजूँगी। आपको क्या करना है, इनके होमवर्क में इनको करके मेरे को वापस भेजना है, ताकि मैं चेक कर सकूँ और उसको अच्छे से देख सकूँ कि आपने सही काम किया या नहीं है। इसका आगे का भाग अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे।